the summer of love. नमस्कार दोस्तों, आई एम सचिन कुमार एन आर्किटेक्ट फ्रॉम अगेगढ़। गाइज, मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि हम किसी जैसे कि हम कोई एक फर्नीचर बनाते हैं किसी स्केचअप फाइल में, ठीक है, तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करें। यानी कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें फर्नीचर चाहिए होता है, क्योंकि स्केचअप में तो फर्नीचर होते नहीं है, तो हम खुद बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इम्पोर्ट करते हैं खुद। तो मैं वो आज आपको सिखाऊंगा कैसे हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम कोई एक डिज़ाइन ओपन करते हैं। मैंने काफ़ी सारी डिज़ाइंस बना रखी हैं। चलो फाइनली एक ऑफिस को ओपन करते हैं। ऑफिस डिज़ाइन मैंने बना रखा था तो उसको ओपन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। गाइस ये मैंने एक ऑफिस बनाया था, मैं इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हो और इसको बना सकते हो A to Z सेम। एक बार आप इसको चारों साइड से देख लीजिए, देखने के बाद बताता हूँ इसको। गाइस कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इम्पोर्ट तो वही चीज़ होती है जो ऑटोकैड की फाइल होती है। आप ऑटोकैड की फाइल कोई भी कुछ यानी कि ऑटोकैड में कुछ भी बनाइए और उसको इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं इंपोर्ट सीधे, तो इंपोर्ट होते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद वो करना चाहते हैं कि इंपोर्ट अगेन हमने ट्राई किया, तो इंपोर्ट के बाद जो ऑप्शन होता है, ठीक है, तो नहीं हो पाता है, सभी इसमें ऑटोकैड की फाइल शो होती हैं। तो गाइस ये आपका तरीका गलत है, मैं आपको बताऊंगा इसका सही तरीका क्या है। गाइस ये कुछ सही ये चीज़ सही नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। हाँ तो गाइस उसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया। मिनिमाइज़ करने के बाद आप जिसमें आपने वो फर्नीचर बनाया तो उस फाइल में जाइए, आप जो फाइल आपने बनाई है उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करना है, एक ग्रुप बना लीजिए इसका, ठीक है ना, एक ब्लॉक बना लीजिए इसको। तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करना, तो उसमें आएगा मेक अ ग्रुप, तो आप उस पर क्लिक करती हो तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो आप इजीली इसको यानी कि इधर से उधर रख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसी फाइल में आके वापस, तो इसमें जाके आप पेस्ट कर दो। और जो मैंने कॉपी किया था ना वो Ctrl+C से किया था, ओके, और जो पेस्ट होता है वो होता है Ctrl+V, तो मैंने Ctrl+V कर दिया। तो देख सकते हो गाइस ये आ चुका है, अब आप इसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस स्टेप से आप कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं भी, और इसी टाइप से आप काफ़ी सारे फर्नीचर बनाइए और आप सेट कर सकते हो। चलिए गाइज आज के लिए इतनी काफ़ी है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर।